माँ ममता के मंदिर की सबसे प्यारी मूरत होती है, ये तो आपने सुना था, लेकिन अब आप इसे देखेंगे भी। जी हाँ, कटनी के एक बेटे ने अपनी माँ की याद में उसकी मूर्ति बनवाई और उस मूर्ति को अपने घर के मंदिर में स्थापित किया। मध्य प्रदेश के कटनी जिले में से माँ और बेटे के प्रेम की अनोखी दास्तां सामने निकल कर आ रही है। बताया जा रहा है कि 2021 में कोविड के कारण सावित्री सोनी की तबीयत बिगड़ने से अचानक उनकी मौत हो गई, जिसके बाद उनका पूरा परिवार बिखर सा गया और उनके चारों बच्चे डिप्रेशन में चले गए। हालांकि कुछ समय बाद बच्चे सदमे से बाहर निकलने लगे, लेकिन सोनी परिवार का छोटा बेटा चाहकर भी माँ के जाने के दर्द से उभर नहीं पाया। एक दिन उसने इंस्टाग्राम पर एक मूर्तिकार को देखा और उसने अपनी माँ की मूर्ति बनवाई, और जब 6 महीने बाद मूर्ति घर आई तो पूरा परिवार उसको देखकर हैरान रह गया। उसके बाद बेटे ने माँ की मूर्ति को घर के मंदिर के बगल में ही स्थापित कर दिया और अपनी माँ को मूर्ति के स्वरूप में वापस पाया। पहले तो हम लोग एकदम शॉक हो गए, क्योंकि कोई भी चीज़ जो चीज़ अपन पास नहीं है उसको अचानक से देखो तो ऐसी वो चीज़ शब्दों में बयां नहीं की जा सकती जो हम लोग ने फील किया, कि कैसा उस टाइम फील किया। सब लोग इमोशनल हो गए थे। ऐसा लगा कि वो आज जैसे वो साक्षात रूप में विराजमान हो और कुछ कह रही हो। ये हम लोगों को अनुभव हुआ, पूरा परिवार अचंभित हो गया कि ऐसी प्रतिमूर्ति किस कारीगर ने बनाई है। हम लोग पूरा परिवार, हमारा, हमारी बहुएं, सभी द्रवित हुए, दुखी भी हुए, सबके आंखों में आंसू भी आए। और आज जो ये मूर्ति हमारे घर में स्थापित हुई है, निरंतर हमें ऐसा एहसास होता है कि हमारे बीच में है। देखिए, क्या मम्मी की जब कोरोना काल में डेथ हुई तो मैंने सोशल मीडिया में देखा कि किसी सज्जन ने अपनी मदर की मूर्ति बनवाई हुई थी, तो उसे मुझे लगा कि मुझे भी बनवाना चाहिए, क्योंकि मम्मी की मुझे बहुत याद आती थी। तो मुझे ये लगा कि कम से कम मम्मी की मूर्ति रहेगी तो ये एहसास रहेगा कि मम्मी मेरे साथ। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।